shit all together. सलमान खान की फिल्म रेस 3 को रिलीज हुए महज 5 दिन ही हुए हैं और सलमान खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कलेक्शन कर रही है। दुनिया भर में फिल्म के टिकट की एडवांस बुकिंग चल रही है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो अब तक ये फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म को लेकर ना तो अच्छे रिव्यूज आए हैं और ना ही ऑडियंस के रिएक्शन बढ़िया है। अब सलमान के फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। दरअसल रेस 3 के आखिरी सीन में सलमान खान समेत अनिल कपूर इस बात का हिंट देते हैं कि रेस 4 भी बनने वाली है। इस मामले में रेस 3 के प्रोड्यूसर रमेश तुरानी ने खुलासा करते हुए कहा कि ये फिल्म जरूर बनेगी लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय लग सकता है। रमेश तुरानी ने बताया कि अभी रेस 4 की स्क्रिप्ट बनेगी फिर डिसाइड होगा, अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। सलमान खान इस फिल्म में होंगे ये तो कंफर्म है क्योंकि रेस 3 को नेगेटिव व्यू मिलने के बावजूद अकेले सलमान के कंधे पर टिकी इस फिल्म ने 4 दिन में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। सलमान खान की फिल्म रेस 3 साल 2018 के पहले दिन की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने पद्मावत और बागी को पीछे छोड़ते हुए पहले दिन करीब 29 करोड़ रुपए की कलेक्शन की थी। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।